आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है स्टार न्यूज एक्सप्रेस में। भाई ने किया अपनी ही सगी बहन का बहिमाना कत्ल। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद टोली चौकी आदम्स कॉलोनी जुबेदा मंजिल में एक आरिफ नामी 35 साल शख्स ने अपनी ही सगी बहन राइस फातिमा उम्र 41 साल का बड़ी ही बेरहमी से चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। राइस फातिमा को फौरन ऑलिव हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। पता जा रहा है कि कत्ल के असल वजह जायदाद का तनाजा है। मकतूल राइस फातिमा के बेटे ने इस कत्ल की इत्तला गोलकुंडा पुलिस स्टेशन को दी। गोलकुंडा पुलिस मुकामी वारदात पर पहुंच कर एक केस दर्ज करते हुए नाश को बगर से पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मफरूर मुलजिम आरिफ की तलाश शुरू कर दी और तहकीकात का आगाज कर दिया। आइए सुनते हैं मजीद तफसील इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज अंदाजा 1:40 पर अपना पेट्रोल कार को डायल हंड्रेड कॉल आया था। एक बहन को भाई मार दिया, बल्कि फौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट है, वो और डेथ हो गए सब। उनका नाम राइस फातिमा है। उन्होंने 2003 अंदाजा वो टाइम पे शादी हुआ है। एक दो साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद इनके घर पे आके रह गया और उन्होंने और उसके दो बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह रहे हैं। और डिसीज्ड को और उसका बायां पूरे 5 लोग हैं। छोटा छोटा इश्यूज में आर्गुमेंट्स होना, ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। उसमें डिसीज का एंगर वन राइफ आरिफ है उसका नाम, तो इनका टार्चर बहुत कर रहे, बोल के उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे घर ले लिया। तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या होना हम दे देंगे, यहाँ से आप हट जाओ बोल के। तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता, मैं केस डालता हूँ बोल के थोड़ा टेम्प्टेड वर्ड्स दे रहे थे। कहते हैं तो एक हफ्ता 10 दिन से भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं मान रहे, तो इसलिए मैं ये कदम उठाना पड़ा। आज भी सुबह बातचीत में कर रहे, उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ, वहीं उन्होंने नहीं जाते बोल के मना कर रहे हैं। गुस्से पे आके मैं उसके ऊपर एक वो किचन नाइफ है उसे मैं हमला करा बोल के मालूम पड़ा है। सर, पुलिस ने कौन से सेक्शन इम्पोज किया? ये ऑब्वियसली इनका डेथ पहले तो थोड़ा सांस था, तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गया। डेथ का से डेथ ओनली हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे, तो डेथ का सेक्शन वो ये 302 में एफ आई आर करेंगे उसके ऊपर। सर, इनके ऊपर ऑलरेडी कुछ केसेस है क्या? सर अभी पता करना है, ऐसा बना ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के मालूम है, क्योंकि उन्होंने टिम्बर बिजनेस करता है, फैमिली पूरा उन्हें लीड करता बोल के मालूम है। हमला करने के बाद एक्यूज वहीं थे सर या निकल गए थे? वहाँ तो नहीं है, अक्यूज नहीं है, अरेस्ट नहीं, नहीं है, नहीं है वो। ये पहले भी ये लोग कंप्लेन दिए थे क्या था? लोग ऐसा लड़ाई हो रही घर में छोटी छोटी बात पर? नहीं, अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं आया है उसका खिलाफ, दोनों का फैमिली डिस्प्यूट है, बल्कि कोई कंप्लेन तो नहीं है। सर, अक्यूज अरेस्ट नहीं हुआ अभी? नहीं हो। थैंक यू सो मच।